हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट डिशडी पर स्वागत है। दोस्तों, हम बात करेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम आपसे बात करेंगे आरसी सर्किट और आज आरएलसी सर्किट, दो सर्किट्स की बात करेंगे। एक होता है आपका दोस्त आरसी सर्किट, एक होता है आरएलसी सर्किट, ठीक है। तो आरसी में रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का यूज किया जाएगा, इसमें आपका रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और आपका ये सी अर्थात आपका प्रतिरोध, प्रेरकत्व और आपका संधारित्र आरएलसी सर्किट में। इसका मैं आपको फेजर डायग्राम, सर्किट्स और जो फार्मूले हैं, पावर फैक्टर इसका अलग अलग क्या होता है, अर्थात इसमें आपका टैन फाई का मान क्या होगा, कॉस फाई का मान क्या होगा और इसके जेड अर्थात प्रतिबाधा, इसके इम्पिडेंस क्या होगा, ये सभी पॉइंट्स को आज क्लियर करूंगा। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक जरूर क्लियर कीजिएगा। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि आरएल सर्किट क्या होता है, जिसमें रेजिस्टेंस और आपका इंडक्टेंस का यूज किया जाता है, उसको भी जानना आपको बेहद जरूरी है, क्योंकि इसी से रिलेटेड वो है। वो पॉइंट्स क्लियर हो पाएगा तो बहुत अच्छे से अभी सभी पॉइंट्स होंगे। पावर फैक्टर से रिलेटेड मैंने वीडियो अपलोड किया, तो वीडियो तो आपको ऑलरेडी लगातार मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जरूर देखिएगा। तो आज हम बात करते हैं पहले आरसी सर्किट की। तो आरसी का मतलब एक रेजिस्टेंस है और एक आपका कैपेसिटर है, नेम से ही आपको पता करना है। ये दोस्त क्या है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, अर्थात अभी हम आपको श्रेणी क्रम का मतलब अब समझ सकते हैं। ये आपका एक रेजिस्टेंस, ये एक कैपेसिटर लगा हुआ है। बात दोस्त ये होता है कि जो आपका रेजिस्टेंस होता है उसमें क्या होता है कि आपके दोनों की डायरेक्शन सेम होती है, उनके बीच फेज डिफरेंस अर्थात फाई का मान कितना होता है, जीरो। उसमें फेज डिफरेंस आपका जीरो होता है, किसी प्रकार का फेज डिफरेंस नहीं होता है। तो आपका वोल्टेज और करंट के बीच फेज डिफरेंस जीरो होता है, किसमें, रेजिस्टेंस के सर्किट में। अगर हम बात करें दोस्त यहाँ पर सी अर्थात कैपेसिटर की, तो कैपेसिटर में ये होता है कि जो आपकी वोल्टेज होती है वो करंट से 90 डिग्री पश्चगामी होती है, मतलब जो आपकी करंट होगी वो वोल्टेज से 90 डिग्री क्या होगी, अग्रगामी अर्थात क्या करेगी, लैग करेगी, ध्यान दीजिए लीड करेगी। बात इतनी सी है दोस्त कि आपको एक फिक्स करना है, यहाँ पर जो आपका होता है इसमें वोल्टेज आपका करंट से क्या कर रहा है, आपका पश्चगामी है, कौन दोस्त, मतलब कि आपका लैग कर रहा है वोल्टेज करंट से कैपेसिटर में। लेकिन अगर आप इंडक्टर की बात करें अर्थात प्रेरकत्व की बात करें, तो उसमें क्या होता है कि आपकी जो वोल्टेज होती है वो करंट से 90 डिग्री अग्रगामी होती है, था लीड करती है, इसमें लैग करती है और आपके प्रेरकत्व में आपके क्या करती है, प्रेरकत्व में आपके लीड करती है और इसमें लैग करती है, कौन, वोल्टेज, किससे, करंट से, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट्स आप थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे दोस्त तभी क्लियर हो पाएगा, समझने की जरूरत है, बस एक दूसरे से कंपैरिजन, इसीलिए मैंने कहा कि पिछला वीडियो आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। पहले इस वीडियो को देख कर, आप उसको जाइए, उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ये सर्किट हमने आपको दर्शाया, एक आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस आर है, एक आपका कैपेसिटर है, ये बात हो रही सीरीज की, श्रेणी में। तो सीरीज आपको दिख रहा दोस्त, एक यहाँ पर रेजिस्टेंस लगाया गया, एक कैपेसिटर, दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया गया और यहाँ पर इसको वोल्टेज भी सप्लाई दी गई। देखिए वोल्टेज जब आप देते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, इस आर रेजिस्टेंस के अंतर्गत जो आपके आर के अक्रॉस आपका वोल्टेज होगा वो वी आर होगा और जो सी कैपेसिटर के होगा वो वी सी वोल्टेज होगा, ठीक है। और टोटल वोल्टेज आपका वी है। देखिए दोस्त ये आपका होता है जो वी इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, ये आपका वी जो होता है ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज होता है और जो वी एम होता है वो आपका मैक्सिमम वोल्टेज होता है। हमने आपको ऑलरेडी बताया कि आपकी आरएमएस वैल्यू क्या होती है, एवरेज वैल्यू क्या होती है, ये सब वीडियो हमने ऑलरेडी आपको बताया था दोस्त कि आरएमएस मान कैसे निकाला जाता है, एवरेज मान कैसे निकाला जाता है और मैक्सिमम मान कैसे निकाला जाता है, वोल्टेज मैक्सिमम वोल्टेज या फिर आप आरएमएस वोल्टेज, ये सभी हमने वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया, तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, देखिएगा। चूंकि ये सभी एक दूसरे से कंपैरिजन करके आप पढ़ेंगे तो बहुत ही ज़्यादा बेटर कर सकेंगे। बात इतनी सी है कि आपको आना चाहिए समझ में कि एक दूसरे से जुड़े कैसे हैं, ये चीज़, ठीक है। तो देखिए दोस्त ये आपका फार्मूला होता है वी इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। अभी आपको दोस्त आई इक्वल टू क्या होगा फार्मूला वो भी मैं आपको डिनोट करता हूँ। देखिए दोस्त अब ये हमने एक फेजर डायग्राम के माध्यम से यहाँ पर दर्शाना चाहूँगा। देखिए ये चीज़ यहाँ पर आपको दर्शाया गया, ये वोल्टेज और ये आपका रेजिस्टेंस का है, ये आपका कैपेसिटर का है, ये आपका रेजिस्टेंस का है, ये कैपेसिटर का अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर दोनों को क्या किया गया, सीरीज में इंक्लूड करने के बाद ये फेजर डायग्राम आपका बनाया गया, तो इसी कहते हैं आपका वोल्टेज ट्रायंगल। चूंकि ये वोल्टेज के माध्यम से बना है, इसमें वोल्टेज ही आप देखेंगे, तो दोस्तों आपको पता है कि यहाँ पर क्या होता है कि रेजिस्टेंस और वोल्टेज आर सर्किट में सेम होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें करंट और जो वोल्टेज है एक डायरेक्शन में आपको यहाँ पर दिखेगा। तो वी आर जो वोल्टेज है और ये करंट है, ये किसको दर्शा रहा है, ये आर रेजिस्टेंस वाले सर्किट को दर्शा रहा है, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे यहाँ पर अगर ध्यान से आप देखें तो ये क्या दर्शा रहा है दोस्त, वी सी, क्या दर्शा रहा है, वी सी। तो ये क्या है, ये आपका करंट से 90 डिग्री क्या कर रहा है, लैग कर रहा था, पश्चगामी है, किसमें, सी कैपेसिटर में, ठीक है। सी कैपेसिटर में आपका होता क्या है कि पश्चगामी होता है वोल्टेज। तो सिंपली यहां पर क्या हो रहा है दोस्त, आप देख सकते हैं यहां पर आपका वी सी, यहां पर क्या है, वी सी 90 डिग्री क्या होता है,
पश्चगामी, तो आप माइनस वी सी दोस्त इसलिए कि क्योंकि निगेटिव तरफ है, इसलिए आपका पश्चगामी, इसलिए यहाँ पर निगेटिव का यूज किया गया है, तो माइनस वी सी का यूज किया जाएगा। और चूंकि यही के पैरल इतना आपका वोल्टेज यहाँ से, तो इसी के पैरल आपका वोल्टेज होगा, चूंकि आप जानते हैं कि पैरल में वोल्टेज आपका इक्वल होता है, आपको पता है जो समांतर में जो आपका होता है वोल्टेज इक्वल होता है, तो जितना यहाँ से यहाँ वोल्टेज होगा वही वोल्टेज यहाँ पर होगा। तो इसको दर्शाया गया है कि ट्रायंगल चूंकि बन सकेगा, इसीलिए यहाँ पर बनाया गया कि जितना वोल्टेज यहाँ से यहाँ तक है वही वोल्टेज यहाँ तक होगा। तो यहाँ वोल्टेज आपका कितना है, माइनस वी सी है, और ये अभी आपका माइनस वी सी होगा, और ये जो आपका होगा इसका लेंगे हम परिणामी अर्थात रिजल्टेंट वोल्टेज लेंगे। तो यहाँ पर आपका दोस्त ये वी आर हो गया और ये माइनस वी सी हो गया, और ये बीच में जो आप करेंगे ये आपका रिजल्टेंट वोल्टेज होगा। अब इसी रिजल्टेंट वोल्टेज को जो आप निकाल लेंगे तो आपका वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। अब कैसे करेंगे देखिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये चीज़ आप बिल्कुल क्लियर समझ चुके होंगे। मैं चीज़ जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर क्या है कि ये आपका वी सी है और ये इधर आपका पैरेलल हुआ तो माइनस वी सी हुआ, हमको निकालना है रिजल्टेंट वोल्टेज। आइए चलते हैं रिजल्टेंट वोल्टेज निकालते हैं। तो वोल्टेज आपका ट्रायंगल के माध्यम से हम यहाँ पर निकालेंगे। तो वोल्टेज का दोस्त यहाँ पर आपको एक फार्मूला पता है दोस्त, सिंपल सा फार्मूला, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये कर्ण होता है, ये कर्ण होगा, और आपको पता है कि जो आपका एंगल के सामने अर्थात किसी कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, उसके सामने वाली जो आपकी भुजा होती है वो सदैव क्या होता है, लंब होती है। तो माइनस वी सी आपकी लंब हुई, वी आर आपका क्या हुआ, आधार हुआ, और वी आपका क्या हुआ, कर्ण हुआ। तो सिंपली आपका कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर आपको यहाँ पर पाइथागोरस का प्रमेय इंक्लूड करना है। तो सिंपली यहाँ पर आप करेंगे वी इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर, यही तो होता है दोस्त ना, वी स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा वी आर स्क्वायर प्लस आपका वी सी स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका दोस्त यहाँ पर ध्यान देना है कि वी सी स्क्वायर होगा और यहाँ पर वी स्क्वायर होगा ये माइनस। अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट समझिएगा, वी बराबर होता है आई इन टू आर, आपने फार्मूला पढ़ा है दोस्त, ओम सलाह में हमने ऑलरेडी आपको बताया कि वी बराबर क्या होता है, आई इन टू आर। तो वी बराबर आई इन टू आर होता है, और वी सी, वी सी बराबर क्या होगा, आई इन टू एक्स सी। अब देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन आपको ये होगा कि यहाँ पर आर यहाँ पर एक्स सी, ऐसा क्यों? तो देखिए होता क्या है दोस्त कि जिस प्रकार आपका आपका जो आर रेजिस्टेंस सर्किट होता है उसमें आपका रेजिस्टेंस आर होता है, उसी प्रकार आपका जो जो आपका दोस्त यहाँ पर कैपेसिटर सर्किट होता है उसमें जो एज अ रेजिस्टेंस की तरह कार्य करता है वो आपका एक्सी होता है। इसे कहते हैं एक्सी को रिएक्टेंस, जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रतिघात। ओके, तो यहाँ पर आपका वी सी इक्वल टू आई इंटू एक्सी हुआ। तो बात इतना आपको समझना है कि वी स्क्वायर आपने लिखा, वी आर की जगह पर आप आई इंटू आर होता है तो उसकी जगह पर आई इंटू आर का होल स्क्वायर लिखेंगे। फिर आपको यहाँ पर आपको क्या लिखना है दोस्त, ये आपका चूंकि आपको यहाँ पर हमने निकाला कि माइनस वी सी, ये आपका क्या है दोस्त, ये आप जो देख रहे हैं ये निगेटिव है, इसलिए यहाँ पर आपको निगेटिव रखना है, ये आपका क्या होगा निगेटिव। तो माइनस आई एक्सी का होल स्क्वायर, तो VC की जगह पर आप क्या लिखेंगे, माइनस आई XC का होल स्क्वायर। ये आपका एक करंट है और ये एक प्रकार का रेजिस्टेंस है, जिस प्रकार आपका V बराबर I इंटू R होता है दोस्त, उसी प्रकार प्रेरकत्व सर्किट में I बराबर V बराबर I इंटू XC होता है, ठीक है। इसको कहते हैं क्या, रिएक्टेंस कहते हैं, कैपेसिटर रिएक्टेंस, या कैपेसिटर रिएक्टेंस जो होता है आपका क्या होता है, ये आपका संधारित्र का प्रतिघात होता है, ठीक है। और एक आपका XL होता है, XL क्या होता है, XL आपका होता है दोस्त वो आपके देखिए ये XC है, ये संधारित्र का प्रतिघात है, ठीक है। और एक्सेल होता है वो आपका प्रेरकत्व का होता है, ठीक है, ये चीज समझिएगा। एक्सेल एक्सी और एक्सेल बराबर हमने बताया क्या होता है दोस्त, ओमेगा इनटू एल, और एक्सी बराबर होता है 1 अपॉन ओमेगा सी। एक्सेल बराबर ओमेगा इनटू एल और एक्सी बराबर 1 अपॉन ओमेगा सी, ठीक है। ये सभी फार्मूले मैं आपको बार बार इसलिए बताता हूं क्योंकि ये सभी छोटे छोटे फार्मूले आपको याद हो जाएंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि ये सभी यूज होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर वी स्क्वायर इक्वल टू हो गया, यहाँ पर अब आप आई स्क्वायर सिंपली कॉमन ले लीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि आपका बचेगा आर स्क्वायर, और यहाँ पर एक्सी का होल स्क्वायर चूंकि निगेटिव है तो निगेटिव का कोई फर्क नहीं पड़ेगा चूंकि होल स्क्वायर, इसलिए पॉजिटिव का एक्सी स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इसमें पूरे का रूट्स ले लीजिए, अर्थात जो ये वी स्क्वायर है इसका वी हटाइए स्क्वायर और इधर रूट लगाइए। जब रूट लगाएंगे तो इसमें से आई का जो स्क्वायर है वो हट जाएगा, और यहाँ का तो आपका ऑलरेडी हट जाएगा चूंकि आप रूट लगा देंगे, तो दोनों तरफ रूट लगाएंगे तो वी अपान आई, ये आई को हमने नीचे भेज दिया इसलिए ये आपका हो गया हुआ v अपॉन i इक्वल टू अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो फार्मूला अगर हम बात करें यहां पर दोस्त v अपॉन i अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये क्या होता है, ये आपका दोस्त आपको बताना चाहेंगे ये आपका z होता है। z बोले तो इंपेडेंस, इंपेडेंस बोले तो आपका प्रतिबाधा, हिंदी में बोलते हैं प्रतिबाधा। तो v अपॉन i इक्वल टू अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। r रेजिस्टेंस है, x क्या है आपका, ये आपका कैपेसिटर का प्रतिघात अर्थात रिएक्टेंस है, इंग्लिश में उसको रिएक्टेंस और हिंदी में प्रतिघात बोलते हैं। और इसको इंग्लिश में क्या होता है, v अपॉन i मतलब वोल्टेज बटे जो करंट है, ये टोटल आप निकाले हैं तो इसको क्या बोलते हैं, जो अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर जो है ये आपका होता है प्रतिबाधा, प्रतिबाधा मतलब इंपेडेंस। आगे चलते हैं, यहां पर हमने कुछ पॉइंट्स भी लिखे हैं कि v जो आपका होता है, जो वोल्टेज आपका है, ये अप्लाइड वोल्टेज ऑफ आर्मेचर करंट, अर्थात आपने जो टोटल अप्लाई किया इस सर्किट पर, कहां दोस्त देख सकते हैं, देखिए
ये चीज जो आपने यहाँ पर वी की वैल्यू है, ये जो आप अप्लाई किए हैं वो चीज है, वी वो टोटल कर आओ, और यहाँ पर जो आपने इसको आई करंट, यहाँ पर हमने डिनोट नहीं किया लेकिन ये आपको जो करंट है इसको समझिएगा, ये आपका क्या है, ये आर रेजिस्टेंस सी है, इसमें हम करंट आई दे रहे हैं, ठीक है। तो वही चीज टोटल करंट और टोटल ये जो वोल्टेज है, तो टोटल वोल्टेज बटे टोटल करंट अर्थात अप्लाइड वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू बटे आर लाइन करंट का आरएमएस वैल्यू, तो इस चीज को आपको याद रखना है। तो आरएमएस वैल्यू यहां पर आपको अप्लाई किया गया है, तो अप्लाइड वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू बटे लाइन करंट का अर्थात जितनी आप करंट दी उसकी आरएमएस वैल्यू। देखिए आरएमएस वैल्यू एवरेज वैल्यू ये सभी डिफरेंट है, ठीक है, ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया, अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, आप जरूर देखिए। अब देखिए हमने पहला पॉइंट से यहाँ पर प्रतिबाधा का, देखिए हम आपको बताते हैं कि हमने क्या, जैसा कि अभी ऑलरेडी आपको बताया कि पहला पॉइंट से आपने प्रतिबाधा निकाला, जेड इक्वल टू जो आपका वी अपान आई इक्वल टू आया वही आपका जेड इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए आप ऑलरेडी हमने फार्मूला बता रखा है आपको कि जेड का जो मान होता है वो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन कंडीशन डिपेंड करता है कि वहाँ पर आपका रेजिस्टेंस आपका कैपेसिटर लगा हुआ है या फिर आपका वहाँ पर इंडक्टर लगा हुआ है। तो यहाँ पर कैपेसिटर का यूज किया गया इसलिए यहाँ पर एक्स सी का होल स्क्वायर होगा, अगर यहीं पर पेरिकत होता तो एक्सएल का होल स्क्वायर होता, ओके। और लेकिन यहाँ पर अगर आरएलसी सर्किट जो होगा उसको हम आगे बताएंगे, चूंकि उसमें एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर होता है, इसीलिए कह रहे हैं वीडियो इंपॉर्टेंट है, अगर आप देख रहे हैं तो लगातार कंटिन्यू देखते रहें, ठीक है। तो यहाँ पर जेड इक्वल टू वी अपान आई जो आपका होता है दोस्तों, यही क्या होता है, यही आपका जेड इक्वल टू वी अपान आई आपका क्या था, प्रतिबाधा होता है। तो ये फार्मूला आपका था, हमें ग्राफ भी इसमें हमने आपको डिनोट किया है, थोड़ा ग्राफ भी समझ लेते हैं ये क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पर वोल्टेज और करंट एक आपका एक ही डायरेक्शन में होता है, ये एज आर रेजिस्टेंस वाला सर्किट है, और ये जो आपका है ये जो नीचे आप देख रहे हैं ये किसका है, ये आपका कैपेसिटर वाला सर्किट है। तो ये माइनस एक्सी हुआ, ये आपको जो नीचे जाता है माइनस एक्सी होता है। तो ये जो प्रतिघात है वो एज आ क्या है, रजिस्टेंस। जिस प्रकार आपका सर्किट जो रजिस्टेंस प्रतिरोध सर्किट होता है उसमें रजिस्टेंस आपका होता है, ठीक उसी प्रकार आपके पेरकत्व में जो पेरकत्व तो आपका होता अर्थात आपका पेरकत्व नहीं दोस्तों, आपका कैपेसिटर सर्किट होता है उसमें आपका ये एज ए रेजिस्टेंस की तरह व्यवहार करता है एक्सी, ठीक है। नाम बस चेंज है, बस सर्किट का डिफरेंट है, इसमें जो आपका कैपेसिटर होता है उसमें एक्सी एज ए रेजिस्टेंस की तरह व्यवहार करता है। तो माइनस एक्सी इक्वल टू वी सी अपान आई होता है, अर्थात दोस्त जैसे कि आपका रेजिस्टेंस वी अपान आई होता है उसी प्रकार आपका प्रतिघात भी वी अपान आई होता है। तो यहाँ पर वोल्टेज आपका वी आर होता है लेकिन यहाँ पर वी सी होगा, चूंकि जो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज होगा वही को हम लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा दोस्त, एक्स इक्वल टू वी सी अपान आई, और यहाँ पर क्या होगा ये टोटल आपका, देखिए इसे कहते हैं इम्पीडेंस, इसको ध्यान दीजिए, इसे कहते हैं इम्पीडेंस रेजिस्टेंस। अब बात ये है, इसे कहेंगे इम्पीडेंस ट्रायंगल भी कह सकते हैं, क्योंकि ये पूरा बात जो कर रहे हैं इम्पीडेंस बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपने देखा ये रेजिस्टेंस आपने लिख दिया और ये आपने क्या लिख दिया, प्रतिघात अर्थात एक्सी, और हम निकाल लेंगे जेड की वैल्यू, जेड बोले तो प्रतिबाधा, बोले तो आप इम्पीडेंस। तो जेड इक्वल टू आपका क्या होता है फार्मूला दोस्त, फार्मूला होता है आर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर। तो हमको ट्रायंगल दर्शाने का मतलब ये था दोस्त कि आपका जो ये होता है ये किस पर कार्य कर रहा है, ये आपके पाइथागोरस प्रमेय पर लागू हो रहा है, अर्थात जेड इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर जो बन रहा है वो आपका पाइथागोरस प्रमेय, आप लगा भी सकते हैं, आप देख भी सकते हैं, ये जेड है, जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस, मतलब जेड इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर, माइनस एक्सी के क्या होगा होल स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। मैं ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको ग्राफ से ज्यादा अच्छा से समझने की कोशिश करें, ठीक है। नेक्स्ट आपको दोस्तों हम यहाँ पर टैन फाई निकाल लेते हैं, तो टैन फाई कैसे निकालेंगे, देखिए टैन बराबर क्या होता है दोस्त, लंब बटे आधार। तो लंब मतलब आप देख सकते हैं ये आपका क्या है, ये सामने वाला आपका लंब होगा और ये साइड वाला आपका क्या होगा, आधार। हमने आपको बताया कि लंब चेक करने के लिए आपको ऑलरेडी पता होगा, नहीं पता दोस्त आपको याद रखिए, जो कोण होता है उसके सामने वाली भुजा सदैव आपकी लंब होती है और जो बचेगा वो आपको फिर आधार और कर्ण देखना है। तो ये आपका जब लंब हो जाएगा, ध्यान दीजिए ये आपका लंब हो जाएगा और ये आपका कर्ण होगा, तो ये बेस क्या होगा, यही आपका आधार हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर आपको क्या करना है, टेन फाइव इक्वल टू आपको लंब बटे आधार, तो लंब आपका ये हो गया माइनस एक्सी और आधार मतलब रेजिस्टेंस, तो माइनस एक्सी बाई आर आ गया आपका टेन फाइव का मान, और टेन फाइव मतलब फाइव इनवर्स आप लिखेंगे तो फाइव इनवर्स क्या होगा दोस्तों, टेन इनवर्स एक्सी बाई आर, क्या लिखेंगे फाइव इक्वल टू क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स एक्सी बाई आर। इसी प्रकार आपसे हम कहें पावर फैक्टर बताइए कितना होगा, तो कॉस फाइव आप कितना निकालेंगे, कॉस फाइव इक्वल टू आर बाई जेड होता है, मतलब रेजिस्टेंस बटे इम्पीडेंस। तो आप कॉस फाइव इक्वल टू रेजिस्टेंस बटे इम्पीडेंस करेंगे तो ये आपका क्या है दोस्त, ध्यान से देखिएगा, रेजिस्टेंस मतलब क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका रेजिस्टेंस है, इम्पीडेंस मतलब जेड। तो वी अपान आप फार्मूला रखेंगे डायरेक्टली या फिर आप डायरेक्ट
डायरेक्टली इसको लिख देंगे थीटा फाई इनवर्स फाई इक्वल टू कॉस इनवर्स आर बाई जेड। ठीक है, मैंने आपको ये पावर फैक्टर के तीन डिफिनीशन बताएं। एक तो हमने बताया था आपको दोस्त क्या आर अपान जेड, ये तो आपका एक डिफिनीशन था। एक डिफिनीशन क्या था, वोल्टेज और आपके करंट के बीच जो आपका एंगल बनता है उसका कोसाइन जब आप ले लेते हैं तो एक उसका डिफिनीशन कह सकते हैं कि वोल्टेज और करंट के बीच बनने वाले एंगल के कोसाइन को ही हम क्या कहते हैं, पावर फैक्टर कहते हैं। एक हमने बताया था ट्रू पावर बटे अपरेंट पावर जो आपको हमने बताया था, ये सभी क्या है, ये एक डिफिनीशन है ट्रू पावर बटे अपरेंट पावर। ट्रू पावर क्या होता है दोस्त, हमने बताया वी आई कॉस फाई आपका ट्रू पावर होता है और आपका अपरेंट पावर वी आई होता है। ठीक है, तो वी आई कैंसिल हो जाएगा, बताएगा क्या यहाँ पर कॉस फाई, तो वही आपका तो पावर फैक्टर होता है। तो ट्रू पावर बटे अपरेंट पावर, इस पर भी मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है अलग से कि ट्रू पावर अपरेंट पावर, एक होता है रिएक्टिव पावर जिसे प्रतिघात शक्ति कहते हैं, तो यहाँ पर प्रतिकारक शक्ति कहते हैं, हाँ प्रतिकारक शक्ति कहते हैं रिएक्टिव पावर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर तीन चीज़ हमने आपको कंप्लीट कराया। अब चलते हैं यहाँ पर आरएलसी सर्किट की ओर। देखिए आरएल सर्किट दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपने आरसी सर्किट को अच्छे से समझ चुके होंगे और ग्राफ को भी एक बार और अच्छे से आप समझ सकेंगे, क्योंकि एक बार आपको बता रहे हैं, एक बार अपने से आप सोचिएगा और इसको सॉल्व, मतलब आप एक बार ग्राफ कॉपी में या रफ में बनाने की कोशिश करिए तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। चलते हैं आरएलसी सर्किट की तरफ। देखिए वो क्या है दोस्तों, यहाँ पर दिया है कि प्रतिरोध और प्रतिकर प्रेरकत्व और संधारित्र, इसमें आर एल सी अर्थात यहाँ पर तीन आपको कंपोनेंट को जोड़ना होगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपको पता है पहला आर सर्किट में वोल्टेज और करंट दोनों एक डायरेक्शन में, फाई एंगल आपका मतलब फेज डिफरेंस क्या होता है जीरो। लेकिन दूसरे सर्किट की ओर चलते हैं तो यहाँ पर आपको दिया है वोल्टेज और करंट, तो यहाँ पर ये दूसरा क्या है कि आपका इंडक्टेंस अर्थात आपका प्रेरकत्व है, तो इसमें होता क्या है कि वोल्टेज करंट में क्या होता है 90 डिग्री का होता है, लेकिन जो वोल्टेज होता है वो इसमें करंट क्या करते हैं, वोल्टेज मतलब करंट से 90 डिग्री लीड करता है अर्थात अग्रगामी होता है, लेकिन जो इसमें होता है वो 90 डिग्री क्या होता है पश्चगामी। ये अब आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने चाहिए, मैंने दोनों चीज़ को यहाँ पर इंक्लूड किया, क्योंकि बहुत स्टूडेंट का कन्फ्यूजन रहता है कि वोल्टेज आगे होता है कि करंट आगे होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, आप एक चीज़ को यहाँ पर स्थिर कर दीजिए, देखिए हम आपको समझाते हैं। ये करंट को हमने यहाँ पर भी स्थिर कर दिया, यहाँ पर भी स्थिर कर दिया, इसमें क्या है आप देख सकते हैं वोल्टेज आपका क्या है, वोल्टेज आपका क्या हो रहा है 90 डिग्री अग्रगामी, और यहाँ पर वोल्टेज जो नीचे की ओर ये पीछे की ओर क्या जा रहा है पश्चगामी। तो ये आपका 90 डिग्री अग्रगामी किसमें होता है इंडक्टेंस सर्किट में, और जो आपका कैपेसिटर सर्किट होता है उसमें आपका जो वोल्टेज होता है 90 डिग्री पश्चगामी होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप जरूर क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि कन्फ्यूजन आपको नहीं रह जाए। एक चीज़ स्थिर कर दीजिए, हम यहाँ पर करंट को इस साइड में स्थिर कर दिया, अब वोल्टेज करंट को आप ऊपर दीजिए कि इंडक्टर आपका क्या होता है, वोल्टेज इंडक्टेंस में आपका ऊपर होता है और कैपेसिटर में आपका नीचे होता है। ठीक है, अब चलते हैं, देखिए सर्किट हमने यहाँ पर आर एल सी तीनों सर्किट को यहाँ पर डिनोट किया और यहाँ पर इसको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। देखिए सीरीज और पैरेलल दो होते हैं, ध्यान दीजिएगा सीरीज और पैरेलल। अभी आने वाले वीडियो में आपको हम बताएंगे कि जब आर एल सी सर्किट को पैरेलल में जोड़ते हैं तब वो क्या कंडीशन बनता है, ये आपका सीरीज कंडीशन है। ओके, तो यहाँ पर जब आर एल सी सर्किट आप इंक्लूड करते हैं तो टोटल वोल्टेज इस पर कितना है दोस्त, जो अक्रॉस इसके वोल्टेज टोटल वो कैपिटल वी है, लेकिन सबका अलग अलग वोल्टेज होगा। तो यहाँ पर आर रेजिस्टेंस के वोल्टेज वी आर है, L के अंतर्गत L के अक्रॉस आपका VL है और C के अक्रॉस आपका VC है, तो सबका अलग अलग यहाँ पर वोल्टेज आपको दर्शाया गया। अब चलते हैं यहाँ पर, देखिए हम आपको कुछ यहाँ पर दर्शाना चाहेंगे, इसको आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हमने आपको इंक्लूड किया कि ये आपका जो लाइन देख रहे हैं यहाँ पर ये करंट है और ये वी आर वोल्टेज है, ध्यान से समझिएगा दोस्त, ये आपका करंट है, ये आपका क्या है वोल्टेज है, ये जो आपको सर्किट देख रही है ये रेजिस्टेंस वाली है अर्थात इसमें करंट और वोल्टेज दोनों क्या है एक डायरेक्शन में। लेकिन जब ऊपर की ओर आप चलते हैं, ध्यान से देखिएगा, जब ऊपर की ओर चलते हैं तो ये वी एल वोल्टेज यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये वी एल है। ठीक है, मतलब ये आपका क्या है, ये जैसा कि हमने बताया कि आपका जो एल सर्किट होता है उसमें 90 डिग्री क्या करता है लीड करता है अर्थात अग्रगामी होता है किससे करंट से, तो वही चीज़ यहाँ पर दिखाया गया कि आपका 90 डिग्री क्या है, ये वी एल आपका लीड किया है 90 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर अब आपका देखिए यहाँ पर चूंकि आर एल सी सर्किट है तो बात तो यहाँ खत्म नहीं होगी, अब आपका यहाँ पर सी सर्किट भी होगा, ये भी इसमें इंक्लूड है, तो सी सर्किट क्या होता है 90 डिग्री पश्चगामी। तो सिंपली ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो सर्किट आप इधर देख रहे हैं ये यहाँ से यहाँ तक ये जो होगा आपका ये वी सी होगा अर्थात ये 90 डिग्री क्या कर रहा है, इससे आपका 90 डिग्री पश्चगामी है, क्या है पश्चगामी। तो ये आपका करंट से 90 डिग्री पश्चगामी है और ये 90 डिग्री क्या है अग्रगामी है। तो ये लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं होती है, चूंकि यहाँ पर दोस्त अगर यहाँ पर आपका देखिए एक अनुनाद रेजोनेंस कंडीशन होता है, रेजोनेंस दोस्त वो होता है जब वी एल और वी सी दोनों इक्वल हों, लेकिन यहाँ पर आपको हम कंडीशन आगे चल के बताएंगे, लेकिन यहाँ पर जो कंडीशन है हम ये मानते हैं कि इस कंडीशन में आपका वी एल का मान ज़्यादा है और वी सी का मान
कम है। तो समझिए बात को, देखिए यहाँ होगा दोस्त क्या कि हम यहाँ पर समझिए कि आपको VL और VC कैसे यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, क्योंकि आपको निकालना है एक रिजल्टेंट वोल्टेज। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए ऐसा तो है नहीं कि आप VL को भी रखेंगे VC को रखेंगे, तो हम इसके दोनों को मतलब कि डिफरेंट को निकालेंगे, तो वो जो मान आएगा वही आपको निकालना है। तो VL जो है दोस्त ऊपर है और VC क्या है नीचे है, ये दोनों आपके अपने लगा रहे हैं वोल्टेज। हम इसका निकाल लेते हैं कि इसके बीच वाला वोल्टेज था इसका डिफरेंट कितना है। तो ये टोटल वोल्टेज है, ये आपका VL जो है आपका वोल्टेज है और ये VC वोल्टेज है। तो हम अगर निकालना चाहें इसका डिफरेंट, तो दोस्त जब हम VC से इसको माइनस कर देंगे तो ये जो प्राप्त होगा वो VL माइनस VC होगा। ध्यान से समझिएगा, हम ये समझाने की कोशिश आपको कर रहे हैं। ये आपका VL वोल्टेज है दोस्त, ये VC वोल्टेज है। अब हमको जब VC वोल्टेज जब VL से घटाएंगे जो डिफरेंट आएगा वही तो हमको वैल्यू प्राप्त होगा। और आप सोचिए, जैसे आपसे कहा जाए कि आपको एक स्टूडेंट को 10 रुपये दिया गया, एक स्टूडेंट को 5 रुपये दिया गया, तो बताइए यहाँ पर इसमें डिफरेंट कितना है। अर्थात इसमें मतलब एक ऐसे समझिए कि एक तरफ फोर्स 10 न्यूटन का लग रहा है, एक तरफ आपका 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट अर्थात किधर की ओर आपका ये फोर्स जाएगा, जिधर 10 न्यूटन है सिंपल सी बात है, जो ज़्यादा फोर्स लगा रहा है उसका जाएगा। तो इसका परिणाम ही क्या आया, 5 न्यूटन उधर की ओर लग जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर कहा गया कि जो आपका डिफरेंट निकालिए जो वोल्टेज आएगा उसको हम यूज करेंगे। तो ये VL माइनस VC आएगा, चूंकि VL का मान यहाँ पर ज़्यादा है तो VC से जब माइनस करेंगे तो ये चीज़ आपको प्राप्त होगा। ठीक है, टोटल में से आप जब VC को माइनस कर देंगे तो VL माइनस VC होगा, और ये VL माइनस VC इसके पैरेलल है तो यहाँ पर भी आपका VL माइनस VC होगा। और ये यहाँ तक आपका क्या है VR, ध्यान से देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका वोल्टेज क्या है VR, चूंकि ये रेजिस्टेंस सर्किट है तो इसको हमने VR लिया। और अब इसका जो ये होगा ये आपका रिजल्टेंट अर्थात परिणामी वोल्टेज होगा, ये जो आपका होगा इसका दोनों का हम निकाल देंगे कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर अर्थात पाइथागोरस प्रमेय। तो सिंपल सा यहाँ पर ये था दोस्त कि जो आपकी वोल्टेज थी VL अर्थात इंडक्टेंस की वो 90 डिग्री अग्रगामी, और जो आपके कैपेसिटर की वो 90 डिग्री पश्चगामी। हमको निकालना था उसके दोनों के बीच डिफरेंट, तो आप सिंपली करेंगे VL माइनस VC, और ये VL माइनस VC इसके होगा पैरेलल, चूंकि हमको निकालना है ट्रायंगल के फॉर्म में। तो ये VL माइनस VC यहाँ पर आप इसको लिखेंगे, और ये चीज़ आप देख रहे हैं ये चूंकि रेजिस्टेंस और वोल्टेज एक ही आपकी डायरेक्शन में होती है, तो यहाँ पर आपका क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है ये VR है, और यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है यहाँ से यहाँ तक दोस्त VL माइनस VC है, और इसको हम निकाल लेते हैं परिणामी कैपिटल V। तो सिंपली आपको यहाँ पर लगा देना है फार्मूला। अब चलते हैं यहाँ पर, आशा करते हैं आप सर्किट समझ गए, एक बार आप बना भी लीजिए इसको और अच्छे समझ में आएगा। अब हम निकालते हैं यहाँ पर OA का, लिखने का मतलब हम निकाल रहे हैं रिजल्टेंट परिणामी। OA का मतलब आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर O पॉइंट्स, A पॉइंट्स और B पॉइंट्स, और इसको हम D पॉइंट्स दर्शाए हुए हैं। तो यहाँ पर हम निकालते हैं OA मतलब यहाँ पर टोटल रिजल्टेंट, तो कह सकते हैं रिजल्टेंट वोल्टेज जो निकालेंगे OA इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। OB का मतलब दोस्त ये आपका OB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर लिखेंगे V इक्वल टू VR स्क्वायर, OB का मतलब VR स्क्वायर प्लस AB का मतलब VL माइनस VC का होल स्क्वायर। देख सकते हैं ये AB क्या है दोस्त, AB ये है, ध्यान दीजिएगा जो आपका ये वैल्यू है, जो इसकी ये वैल्यू है दोस्त वही इसके पैरेलल वोल्टेज जो आपका होता है पैरेलल में समान होता है, ऑलरेडी आपने ये पढ़ा है। ठीक है, तो करेंगे क्या दोस्त, यहाँ पर सिंपली इसको कर देंगे, यहाँ पर पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा VR स्क्वायर, ये आपका फिर देखिए VL माइनस VC का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम डायरेक्टली दोस्त यहाँ पर पुट कर सकते हैं VR की जगह पर I इंटू R, V बराबर क्या होता है I इंटू R, तो I इंटू R का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं VL की जगह पर I इंटू XL और VC की जगह पर I इंटू XC। क्यों दोस्त, चूंकि V बराबर I इंटू R जैसे होता है ठीक उसी प्रकार V बराबर जो आपका इंडक्टेंस सर्किट होता है उसमें क्या होता है V बराबर I इंटू XL होता है, XL जैसे यहां रेजिस्टेंस है उसी प्रकार XL है, और इसी प्रकार जैसे V बराबर I इंटू R ये फार्मूला होता है, तो कैपेसिटर सर्किट में V बराबर I इंटू XC होता है, जिस प्रकार रेजिस्टेंस उस प्रकार यहां पर आपका कैपेसिटर रिएक्टेंस प्रतिघात होता है, तो V बराबर I इंटू XC हो गया। अब यहां पर पुट करेंगे तो आपका ये फार्मूला यहां पर ये चीज आ जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं करना, आपको I I दोनों में से कॉमन लेना है, तो आप I कॉमन लेंगे चूंकि I स्क्वायर होगा, तो रूट से निकालेंगे तो ओनली I बचेगा। तो यहां पर आपका V इक्वल टू हो गया दोस्त I इक्वल टू V इक्वल टू I इंटू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो I इक्वल टू हो गया V अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये दोस्त है V अपान Z। अब आप कहेंगे हमने V अपान Z कैसे लिख दिया, अब ध्यान से देखिएगा RLC सर्किट का जो आपका होता है क्या क्या होता है प्रतिबाधा, जिसे बोलते हैं इंपिडेंस, वो आपका डिफरेंट आ रहा है, जो कि हमने ऑलरेडी आपको बताया था अभी, और ये आपका जो RL और RC सर्किट का वो डिफरेंट आया था। देखिए जो आपका नीचे ये होता है ये आपका जेड की वैल्यू होती है, और जेड मतलब प्रतिबाधा, प्रतिबाधा मतलब इंपिडेंस, और इंपिडेंस मतलब जेड इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब यहां पर आप देखेंगे XL माइनस XC है,
क्यों है एक्सएल माइनस एक्ससी, चूंकि यहां पर आप आर एल सी सर्किट जोड़ रहे हैं, इसमें एल और सी आ गया तो एक्सएल माइनस एक्ससी करेंगे। अगर यहां पर आपका आर एल होता था तो ओनली एल होता तो यहां पर क्या होता दोस्त, यहां पर एक्सएल का होल स्क्वायर करते, और अगर यहां पर आर सी सर्किट होता, आर सी जैसे कि ऑलरेडी अभी हमने जस्ट अभी ऊपर बताया कि आर सी सर्किट होता तो सी कैपेसिटर में क्या होता, यहां पर ओनली आर स्क्वायर प्लस एक्ससी स्क्वायर होता। ओके, तो इस चीज को आशा करते हैं बिल्कुल इंपेडेंस में आपको कोई भी अब दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो यहां पर आपको दोस्तों जेड इक्वल टू हो गया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। अब निकाल देते हैं टैन फाई का मान कितना होगा, तो टैन फाई बोले तो क्या होता दोस्त, टैन फाई क्या होता दोस्त, टैन फाई मतलब लंब बटे आधार, और इसमें आप देख सकते हैं लंब मतलब लंब बटे आधार आप देख सकते हैं, ये आपका अगर आपका बनेगा ये आपका फाई एंगल होगा, तो लंब मतलब ये आपका वीएल माइनस वीसी, तो सिंपली यहां पर आपने इंक्लूड किया, देखिए यहां पर वीएल माइनस वीसी, या फिर आप कहें वहां पर देखिए यहां पर हमने डायरेक्टली यहां पर वीएल माइनस वीसी डायरेक्ट यहां पर लिखा गया, यह देखिए आई इंटू एक्सएल, समझिए आई इंटू एक्सएल। अगर आप जिस प्रकार हमने अभी इंपेडेंस का जो बनाया था, जो इंपेडेंस का हमने अभी बनाया था दोस्त ग्राफ जो बना के दर्शाया था, उसी प्रकार अगर आप दर्शाएंगे तो आपको इसी प्रकार का मिलेगा कि इसमें क्या होगा, ये आपका लंब वाले सामने में आपका आई एक्सएल माइनस आई एक्ससी होगा, और जो बेस होगा, बेस जो होगा आपका आई इंटू आर होगा। तो उसमें होता क्या है, आई इंटू एक्सएल माइनस आई एक्ससी में आई आप कामन ले लेंगे, ऊपर नीचे आपका कैंसिल हो जाएगा, और एक्सएल बराबर यहां पर आप देख सकते हैं जो लिखा गया है वीएल माइनस वीसी अपान आर, ये कैसे लिखा है इसको देखिए, टैन फाई ध्यान रखिएगा, टैन फाई क्या होता है लंबटी आधार, तो ये आपका फाई एंगल है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या होती है लंब, तो वीएल माइनस वीसी हुआ अपान क्या होगा यहां पर वीएल माइनस वीसी अपान आपका बेस होता है, बेस बोले तो यहां पर क्या होगा वीआर, तो वीएल माइनस वीसी अपान वीआर आपका हुआ टैन फाई का मान। आप देख सकते हैं यहां पर कितना लिखा गया है वीएल माइनस वीसी अपान वीआर, और वीएल माइनस वीसी को आप क्या लिख सकते हैं यहां पर एक्स बाई आर, जो आपको यहां पर लिखा गया है एक्सएल माइनस एक्ससी, इसी को हम एक्स इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्ससी लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब माइनस दोनों को करके हम इसकी जगह पर एक्स ओनली लिख सकते हैं। तो यहां पर आपका टैन फाइ इक्वल टू आया क्या दोस्तों, एक्स बाई आर, एक्स क्या है अर्थात कहेंगे आप रिएक्टेंस बटे रजिस्टेंस, अगर आपसे कहा जाए मतलब कि आपका रिजल्टेंट रिएक्टेंस बटे यहां पर रेजिस्टेंस कहा जाए, तो आपका क्या होगा टैन फाई का मान, टैन फाई का मान एक्स बाई आर होता है। एक आप देख लीजिए पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर आपको ऑलरेडी पता है कॉस फाई इक्वल टू आर बाई जेड होता है, अर्थात रेजिस्टेंस बटे इंपेडेंस, और कॉस फाई का मान होता है जब आर बाई जेड होता है, तो यहां पर इंक्लूड बस सिंपल से ये करना होता है, कोई भी सर्किट होता है जेड का मान डिपेंड करता है, तो यहां पर आप देखेंगे रेजिस्टेंस तो आपका सेम ही रहेगा, जेड का मान क्या होगा यहां पर आपका निकाला है दोस्तों अभी जस्ट कि जेड इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। तो यहां पर आपका फार्मूला आ गया है कॉस फाई इक्वल टू आर अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। तो यहां पर पावर फैक्टर, टैन फाई, इंपेडेंस, ये सभी आपको याद होना चाहिए, मतलब याद करने का मतलब तरीका ये चीज की आपको निकालना आना चाहिए। अब देख सकते हैं ये जो आपका फार्मूला दोस्त बनता है वो वी बराबर वी एम, मतलब आर एल सी सर्किट की बात करें, आर एल सी सर्किट की बात करें तो इसमें वी बराबर मतलब वोल्टेज तो आपका वी बराबर वी एम साइन ओमेगा टी होता है, लेकिन जो करंट होती है वो डिपेंड करती है क्या कि आपका अगर अगर ध्यान दीजिएगा अगर आपका उसमें क्या है सी, देखिए प्लस माइनस क्यों किया गया इस चीज़ को, क्योंकि इसमें आर एल सी में एल और सी दोनों है, आर एल सी में एल और सी क्या है दोनों है, तो इसमें अगर आपका करंट है तो आपको दोस्त पता है कि जो इंडक्टर होता है, जो इंडक्टर होता है उसमें आपका क्या होता है यहाँ पर इंक्लूड किया, इंडक्टर में आपका करंट क्या होता है पीछे होता है, वोल्टेज से इंडक्टर में करंट पीछे होता है, और आपके कैपेसिटर में आपका जो करंट होता है वो क्या होता है 90 डिग्री, इधर आपका वीसी होता है इधर आपका आई होता था 90 डिग्री अग्रगामी होता है। तो अगर यहाँ पर आपका प्लस होगा तो यहाँ पर आपका कैपेसिटर होगा, अगर माइनस होगा तो आपका क्या होगा इंडक्टर होगा। तो इस चीज़ के लिए इसीलिए प्लस माइनस किया गया है कि वो डिपेंड करेगा उस सर्किट पर। तो आशा करते हैं दोस्तों वीडियो आज यहीं तक था, लेकिन आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, सभी पॉइंट समझ में आएंगे। वीडियो अभी तक आपने देखा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर आप जरूर करिएगा अपने दोस्तों को, इस समय जरूरी है, चूंकि आपको पता है कि इस समय कोई भी बहुत से स्टूडेंट परेशान है कि मटेरियल उनको नहीं मिल पा रहा है पढ़ने को, तो कोशिश करें अपने दोस्तों को व्हाट्सअप के जरिए जरूर शेयर कर दिए। धन्यवाद।